नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं निखिल सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं और इसी के साथ लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव 2024 के बदलाव का और इसके जो मतदान का तीसरा चरण, अगर कहा जाए तो जो तीसरा चरण है वो संपन्न हो चुका है। जो लाइन में लोग लगे हैं वो जरूर वोट डाल रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। इसी के साथ तीसरा चरण पूरा हो चुका है। 1 केंद्र शासित प्रदेश और 10 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। उस चरण के चुनाव में 1331 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया है। तमाम उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के प्रचार प्रसार में झोंक दी। चुनाव को लेकर जनसभाओं का एक लंबा दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और इसके साथ ही साथ आज हम उन सभी नेताओं के लिए देखेंगे कि किस तरह से वो परीक्षा का दिन रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दे आज किस तरह से ईवीएम में आए हैं उतरकर, ये देखने की बात होगी। और कितने प्रतिशत मार्क्स यानी कितने वोट लेकर ये नेता सत्ता पर काबिज होते हैं या फिर जनता उनको खारिज करती है, ये फैसला जनता ही करेगी, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान। 1331 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अभी तक पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज्यादा 63% से अधिक मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। कई बड़े नेताओं ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। पीएम ने कहा, सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। तीसरे चरण में राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव और सुप्रिया सुले जैसे कद्दावर नेताओं की सीटों पर मतदान। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का तूफानी प्रचार जारी। एमपी के खरगोन और धार में की जनसभाएं। मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान पर बोला हमला। कहा, एससी एसटी ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। चौबीस की चुनौती में विरोधी दलों ने भी झोंकी ताकत। झारखंड में राहुल गांधी तो बिहार में तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार। यूपी में मायावती अखिलेश यादव के साथ बाकी दलों के ने भी तेज की अपने प्रचार की रफ्तार। आखिरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही 1331 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई। देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले, निराले रंग देखने को मिला। तो कैसा रहा तीसरे चरण का मतदान, अपने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश के हर हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह देखने को मिला। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ाते हुए नजर आए। पहली बार वोट दे रही हूँ, मुझे पहली बार वोट देके बहुत अच्छा लगा। लोगों को खुशी भी है, मतदान देने की बहुत खुशी भी है। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। बिहार के मधेपुरा सीट पर एक पिंक मतदान केंद्र पर उत्सव जैसा माहौल नजर आया। पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण सीट पर मालदा बालो गर्ल्स हाई स्कूल में मालदा आम की थीम पर मतदान केंद्र देखने को मिला। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिलाएं लोकतंत्र के उत्सव में लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत गाते हुए मतदान केंद्र में पहुंची। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ही एक मतदान केंद्र पर ग्रामीण 8 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से चलकर वोट डालने पहुंचे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया। आपण केलं तर कोणतं बोगस करून जाणार आहे? अच्छा, आपलं करून या, त्यासाठी केलं। तीसरे चरण में जिन 93 सीटों पर वोट डाले गए उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य की सभी 28 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी वोट डाले गए। साथ ही साथ बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीटें, गोवा की 2 सीटों पर भी मतदान संपन्न हो गया। तीसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान के साथ ही अब तक 3 चरणों में कुल 283 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, जो कुल 543 सीटों का लगभग 52% है। इस चरण के साथ ही तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण की जिन 93 सीटों पर वोटिंग हुई है, पिछले आम चुनाव में भाजपा ने इन पर शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं, एनसीपी और जेडीयू को 3-3, टीएमसी और सपा को 2-2 सीट और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें गई थीं। अब देखना होगा कि इस बार मतदाताओं ने किस पार्टी को जनादेश दिया है, लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो लोकतंत्र के इस महोत्सव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम राजनेताओं ने मतदान किया। लंबी कतारों के बीच खड़े होकर नेताओं ने भी अपने मतदान करने की जो इंतजार था उसको पूरा किया। सात चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। आम लोगों के साथ ही विभिन्न पार्टियों के दिग्गज भी मतदान करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। उन्होंने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पोलिंग बूथ के बाहर महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। पीएम मोदी ने एक बच्चे को गोद में भी लिया। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है।
गुजरात के गांधीनगर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवार सहित अहमदाबाद में वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। मुझे पूरा विश्वास है, देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में वोट डाला। उन्होंने कहा कि वो अपने गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। कर्नाटक के धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने हुबली में मतदान किया। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुर में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में मतदान किया। राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भोपाल में वोट डाला। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सूले ने बारामती में मतदान किया। वहीं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने खगड़िया में मताधिकार का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग सीट के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कामरूप में मतदान किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने सैफई में मतदान किया। वहीं आगरा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल ने आदर्श मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनके अलावा जानी मानी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने अहमदाबाद में मतदान किया। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने लातूर में मतदान किया। भले ही तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया हो, लेकिन सभी की नजरें 4 जून पर हैं, जब नतीजों की घोषणा होगी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रही है आज मतदान की तस्वीरें, क्या कुछ कहते हैं फील्ड में मौजूद हमारे रिपोर्टर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MMM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर आज मतदान हुआ, और इसी के साथ देश भर में जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से आधे से ज्यादा यानी 52% जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनकी 52% पर आज मतदान संपन्न हो गया। हम जानेंगे फील्ड रिपोर्टर्स के जरिए कि किस तरह से रहा है मतदान। हम चलेंगे गुवाहाटी, जहां हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, और मधेपुरा बिहार में राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में ही एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, युवराज पोखरान जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवराज जी, बहुत स्वागत है आपका, और उसके साथ ही साथ राजेश राज और तापस आपके पास आते हैं। तापस, सबसे पहले
अगर हम जानना चाहें कि गुवाहाटी में किस तरह से रहे चुनाव के रंग और किस तरह से मतदान हुआ है, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? जी देखिए, 3 बजे तक की जो अभी तक की रिपोर्ट आई थी, 3 बजे लास्ट अपडेट किया था जो इलेक्शन कमीशन शाम के, उन्होंने कहा था कि 63.08% हुआ है। 5 बज चुके हैं इस वक्त और मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा एक बार दिखाने के लिए, बंद हो चुका है ये बारपेटा का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पोलिंग स्टेशन है पूरे आसाम में, जो चौथा तीसरा फेज था, इसमें करीब 9,516 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से एक ये पोलिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं 5 बजे बंद हो चुका है, हम लोग बता रहे हैं बंद हो चुके हैं, लेकिन लाइन अभी भी देखिए किस तरीके की लगी हुई है, कितने लोग एक्साइटेड हैं, अंदर आ चुके हैं, गेट बंद हो चुका है स्कूल का, लेकिन लोग अभी भी अंदर आ चुके हैं, क्योंकि एक बार अंदर आने के बाद ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे सिस्टम की कि ये वोट दे के ही जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करीब यहाँ पे 500 से 600 लोग अभी भी मौजूद है और करीब 2 घंटे से लगातार लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये प्रोसेस जो है चले जा रहा है, आसपास के दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब आ रहे हैं, हमने देखा कितने सारे एजेड लोग थे, करीब 80 साल 90 साल के लोग आए, तो उनसे मिलने वो लोग अपने उनको आने में समय लगा, जो यंगस्टर्स हैं जो जवान लोग हैं वो यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा उनको लग रहा है समय, तो ये लगातार ये प्रोसेस चला जा रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 80% का जो एक होता है बेंचमार्क होता है, क्योंकि सामने हमेशा से 80% इससे पहले भी था, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उससे भी ज़्यादा क्रॉस करेगा। एक जो चीज़ बताना चाहूँगा कि बारपेटा में जो 3 बजे तक का आंकड़ा आया था वो था 65% का, धूबरी में भी 65% था और कोकराझार में करीब 64% का था 3 बजे तक। मैं ये आपको आंकड़ा इसलिए कह रहा हूँ 3 बजे तक का, इसके बाद जो 5 बजे के बाद जो फाइनल आंकड़ा आएगा उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये 3 बजे तक का आंकड़ा दे रहा हूँ। सिर्फ गुवाहाटी जो था वहाँ पे 97% जो है लगभग उतना वोटिंग हुआ, 57%, तो कहीं ना कहीं गुवाहाटी जो कि एक अर्बन सेंटर माना जाता है वहाँ पे उस हद तक नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्ट किया जाता था, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन से हम बात करते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि चैलेंज रहेगा कि किसी तरीके से गुवाहाटी के लोगों को एक तरह से बाहर लेके आया जाए, लेकिन बारपेटा, धूबरी और कोकराझार में बहुत भारी मात्रा में लोग आए, बाहर निकल के आए वोटिंग की, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फाइनल जब टैली आएगी 80% से ज़्यादा आएगा। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 जो लोकसभा की जो सीटें हैं इनमें से 3 में बीजेपी डायरेक्ट नहीं आई है, बीजेपी ने एलआई के साथ, 2 में एजीपी के साथ और 1 में यूपीपीएल के साथ मैदान में उतरे। सिर्फ गुवाहाटी इकलौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी था जिसमें उनका डायरेक्ट मुकाबला था कांग्रेस के साथ, मीरा बाव ठाकुर गोस्वामी जो थी कांग्रेस की तरफ से और विजिता मेलिक कलिता मेदी जो थी आपके बीजेपी की तरफ से, तो ये इकलौता था और ये आपका क्वार्टी इकलौता कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे लगा था 3 बार से, पिछले 3 बार अगर हम ले लें इसको, इसको छोड़ के इस वाले को, तो जो महिला हैं वो रही है यहाँ पे, उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पूरा जो चौथा चरण है यहाँ पे करीब 80 लाख के ऊपर, करीब 80 लाख के ऊपर मतदाता थे और इसमें से करीब करीब 40 लाख जो थे वो महिलाएं थी, तो इस बार भी बहुत दारोमदार जो है महिलाओं के ऊपर है और देखना दिलचस्प होगा जब एक बार ये फाइनल निकलेगा 4 तारीख को, जो बैलेट और जो ईवीएम मशीन खुलेगी तो किस तरीके से ऊट करवट बदलता है। जी जी जी, निश्चित तौर पर सभी की निगाहें जाहिर तौर पर 4 जून के लिए टिकी होंगी। और मधेपुरा चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में इस बार जो 5 सीटों पर मतदान हुआ है किस तरह से हुआ है, राजेश आप बताएंगे, क्योंकि जो पहले 2 चरण थे या कहा जाए कि जो पहला चरण था मतदान के की संख्या को लेकर के, जब बात होते हैं मतदान प्रतिशत को लेकर के, तो बिहार ने चिंतित किया था, इस बार वो चिंता दिखाई नहीं देती, किस तरह से उत्साह दिखा आपको मतदाताओं में? देखिए निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शुरुआती 2 चरण के मतदान हुए उन दोनों चरणों में बिहार में अपेक्षाकृत जो है वो कम मतदान हुए। एक तो चिलचिलाती धूप और गर्मी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा था और इसके अलावा अगर बात करें तो मतदाताओं में उदासीनता भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने साफ तौर पर देखा। और अब तमाम लोगों को पता है कि बिहार के चुनाव पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं, बिहार एक जागरूक स्टेट है जहां पर कि जो चाय की दुकान पर बैठने वाले लोग हैं वो भी जो सियासत
की बात करते हैं, राजनीतिक जो गपशप करते हैं उससे कहीं ना कहीं जनमत का निर्माण होता है, जनमत प्रभावित होता है। लेकिन बिहार में हमने देखा कि दो फेज में जो मतदाताओं में उदासीनता थी, लेकिन अगर तीसरे चरण की बात करें तो मैं आज लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा के सहरसा विधानसभा क्षेत्र में मैं था सुबह में, तो हमने वो नज़ारा भी दिखाया था कि कैसे पिंक मतदान केंद्र पर तमाम तरह की जो सुविधाएं प्रदान की गई, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही मतदान केंद्रों तक बढ़ी। लेकिन मौसम का जो मिजाज था वो भी काफी खुशखबर हो चला था निखिल, मौसम खुशनुमा हो चला था और इसकी वजह से जो लोग गर्मी और चिलचिलाती धूप की वजह से घरों में बैठ जाते थे वो लोग घरों से बाहर निकले। इसके बावजूद मैं कह सकता हूँ की जब मैं सहरसा से थोड़ी सी अगर सियासत की बात कर लें तो समझना चाहेंगे ये जो 5 सीटें हैं किस तरह से सियासत आप इसको देखते हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण कहें या कहें कि जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दे रहे जिनको लेकर आज उन्होंने वोट डाला। देखिए अब तक जो तीनों चरण के अगर हम सीटों की अगर व्याख्या करें तो इन तीनों चरणों के सीटों में पहले चरण में 2 सीट ऐसे थे, जो नवादा की बात करें उस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस्मत आजमा रही थी, और जमुई में लोजपा के प्रत्याशी थे, गया में जीतन राम मांझी किस्मत आजमा रहे थे और औरंगाबाद में बीजेपी किस्मत आजमा रही थी पहले चरण में 2 सीटों पर। और दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्णिया में जेडीयू के प्रत्याशी थे और वहां पर जेडीयू और पप्पू यादव के बीच में मुकाबला था। और तीसरे चरण की बात करें तो कोसी सीमांचल इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अररिया लोकसभा क्षेत्र पर ही किस्मत आजमा रही थी। इस चरण की बात अगर करें तो 5 सीटों पर 5 सीट जो है उनके एलाइज के पास है, 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और 1 सीट पर खगड़िया जो है, जो रामविलास पासवान का अपना पैतृक जहां घर है शहरबन्नी, वो खगड़िया जो है वहां से लोजपा चुनाव मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर अगर बात करें तो अररिया पर ही वो चुनाव मैदान में है, बाद बाकी तमाम सीटें जो हैं, चाहे झंझारपुर की बात करें, मधेपुरा की बात करें, सुपौल की बात करें, ये तमाम सीटें जेडीयू के पास हैं। मुकाबला काफी रोचक देखने को मिला है, लेकिन सुपौल की बात करें तो चंद्रहास चौपाल जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे दिलेश्वर कामत, उनके मुकाबले अपेक्षाकृत थोड़े कमजोर उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन दिलेश्वर कामत के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि एक सामान्य परिवार से आने वाले लोगों को आरजेडी ने वहां चुनाव मैदान में उतारा, वो जो कबीर की जाति जुलाहा जाति से चंद्रहास चौपाल आते थे, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा में चुनाव मैदान में थे, वो कई बार सांसद रह चुके हैं खगड़िया के मधेपुरा के, एंटी इनकम्बेंसी यहां पर थी। यहां पर रविंद्र कुमार रवि जो कभी मधेपुरा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, उनके बेटे कुमार चंद्रदीप को चुनाव मैदान में उतारा। कुमार चंद्रदीप भी लगातार पटना में रहते थे, मधेपुरा से वास्ता कम था, लिहाजा यहाँ पर भी मामला जो है वो थोड़ा एक तरफा ही दिखाई पड़ रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जब सहरसा से मधेपुरा की तरफ हम गए और बीपी मंडल के गांव बूढ़ो स्टेट जब हम पहुंचे तो वहां भी हमने देखा कि गांव में भी मतदाताओं का रुझान जो है वो थोड़ा कम ही दिखाई पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर हम निखिल कह सकते हैं कि मतदाताओं की उदासीनता का आलम जो है वो बिहार जैसे स्टेट में अभी भी जारी है, जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। जी निश्चित तौर पर। और अब गुजरात की बात अगर करें तो हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, युवराज पुखरना जी, बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। और गुजरात का जो चुनाव है वो हमेशा बड़ा जिसको कहते हैं कि दिलचस्प इस लिहाज से भी रहा है कि इस बार भी केवल 25 सीटें रह गई हैं बीजेपी के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ केवल 25, एक जाहिर तौर पर वो उसके खाते में आ चुकी है और चैलेंज ये है कि बाकी 25 भी उसके खाते में आए अगर वो उसको अपना पुराना जो रिकॉर्ड रहा है उसको दोहराना है। किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी के लिए क्या ये चुनौती है, और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है किस तरह से देखते हैं, उस गठबंधन को क्या कुछ जनता के बीच में उतारने की कोशिश की है इन दलों ने? नमस्ते निखिल जी। सर्वप्रथम गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहा गया है और अंग्रेजी में कहा जाता है कि गुजरात इज द पॉकेट बरो ऑफ बीजेपी। तो गुजरात में दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, ये चीज अपन गांठ बांध के दिमाग में रख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। 25 की 25 सीटों पे भाजपा काबिज होने वाली है, इसमें भी कोई चर्चा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा से यहाँ कुछ ना कुछ थ्योरी लगाई है,
कि पहले जब 15-20 वर्ष पूर्व की बात करता हूँ तो बड़ी फेमस थी खाम थियरी जी, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुसलमान जी। उसके बाद पिछले चुनावों में 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी करके नया प्लेयर आया। अब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी मीडिया एड्स एकदम एक भोकाल मचा दिया कि भैया हम ही है मार्केट में। और हाँ उन्होंने अपना वोट शेयर काफी बढ़ाया, लेकिन वो आए एक नई थियरी को लेके, और बहुत कम लोग जानते हैं राष्ट्रीय मीडिया में उस थियरी का नाम उन्होंने दिया था बादाम जी, बैकवर्ड्स आदिवासी दलित अहिर और मुसलमान। तो ये लोगों ने सबने अपने हिसाब से कई तोड़ने मरोड़ने की बांटने की राजनीतियां करते रहे। अब दरअसल मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो कितना जनता के बीच उतरा है, किस तरह से दोनों पार्टियों का सामंजस्य, एक ही सीट पर भले ही आम आदमी पार्टी लड़ रही हो लेकिन कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश जरूर की है कांग्रेस के साथ। जी जी, तो यदि आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में 5 MLA बनाए थे यहाँ से जो चुनके आए थे, 5 में से एक तो ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं, रहे बचे 4। और कांग्रेस की मैं यदि बात करता हूँ तो सर निखिल भाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सर्विंग अध्यक्ष, पूर्व के पूर्व अध्यक्ष, पूरा कांग्रेस ही खेमा भाजपा बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल आम आदमी पार्टी है और उन नेताओं को खुला छोड़ दिया है, ना तो उन्हें चंदा दिया गया ना उनके पास काडर है, तो वो हताश होके घूम रहे हैं। और उसी तरह निराश हताश कांग्रेस का काडर है, तो ये मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ कर पा रहे हैं। और गुजरात का जो वोटर है वो हमेशा की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा। आखिरी 10 सेकंड में लेना चाहूंगा, आपके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी होंगे या प्रधान सेवक होंगे कुछ लोगों के लिए, हम गुजरातियों का उनसे क्या नाता है, हम उन्हें नरेंद्र भाई कहते हैं। यदि आज का एक वीडियो देखेंगे तो भीड़ में से एक आवाज उभर के आई जो अमित शाह को, माननीय गृह मंत्री को अमित काका केम छो ये करके बुला रही है, गौतम अडानी को गौतम काका, मुकेश अंबानी को मुकेश काका। तो ये जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो कुछ भी हो नरेंद्र भाई और अमित भाई के साथ है लोगों का, ठीक है। तो इसमें कोई कंपटीशन में संदेह नहीं है। जाहिर तौर पर 25 लोकसभा सीटें जो मतदान में आज गई गुजरात में, फैसला ईवीएम जब खुलेगी 4 तारीख को तो जनता ने क्या फैसला किया ये पता चल सकेगा। फिलहाल आपके आकलन के लिए शुक्रिया युवराज जी, आपका भी शुक्रिया। राजेश और तापस हमारे साथ जुड़े हुए थे, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स उन्होंने दी अपनी अपनी जगहों से, असम से और बिहार से, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये चर्चा और इसके साथ ही साथ किस तरह से रही है ग्राउंड की सिचुएशन, आज जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है उसके बारे में चर्चा और जानकारी जारी रहेगी। जल्द वापस होंगे ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए, बहाना नंबर 11 नींद पूरी करने का डे, बहाना नंबर 28 ट्रिप पर जाने का डे, 39 बिंज वॉच ऑल सीजंस, 65 घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, Isn't it a holiday today? Holiday? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया, अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे चरण के चुनाव की। 10 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की 93 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह रही है कि जो पहले 2 चरण थे जहां पर कहा जा रहा था कि जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा धीमा रहा है, वो शायद कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय रहा होगा, लेकिन आज जो है मतदान जो अभी तक दिखाई पड़ा है वो कम से कम बहुत सारे लोगों को उत्साहित करने वाला होगा, राजनीतिक दलों को उत्साहित करेगा और चुनाव आयोग को भी उत्साहित करेगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा के
जिला परिषद की पर जो एक बूथ है, पिंक बूथ था, मतदान केंद्र था, उस पर चुनाव का जो नजारा था वो देखने लायक रहा, आपको दिखाते हैं। बिहार में तीसरे चरण में हो रहे मतदान में अभी हम मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद कार्यालय पर हैं, और यह आप हमारे पीछे का जो विहंगम दृश्य देख रहे हैं, यह पिंक पोलिंग बूथ है, महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरती के साथ बनाया गया है मतदाताओं को लुभाने के लिए। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के दौरान बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो बहाल की गई हैं। देखिए यहाँ पर मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी, ये महिलाएं जो हैं ये हेल्प डेस्क पर हैं, असिस्ट कर रही हैं कि लोग कैसे मतदान केंद्र तक जाएं, उन्हें पर्ची मिली कि नहीं। ये देखिए ये बाल मंच बनाया गया है, और ये बाल मंच इसलिए बनाया गया है कि जो लोग वोटिंग करने के लिए यहाँ आएंगे, अगर उनके बच्चे घर में रहेंगे तो उन्हें देखेगा कौन, तो बच्चों का एंजॉयमेंट कैसे हो, बच्चे इसमें इंगेज रहें और जो माता पिता हैं वो आराम से वोटिंग कर सकें, इसके लिए यह बाल मंच तैयार किया गया है। मतदान केंद्र पर देखिए ये मेडिकल बूथ भी तैयार किया गया है। जो सेवा आप दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है ये पिंक बूथ पर, किस तरीके से असिस्ट कर रहे हैं लोगों? जो प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन या कोई फेंट करके गिर जा रहा है ड्यूरिंग आपका वोटिंग में, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, उसको मतलब टेकअप करने के लिए हम लोग या उसको निपटने के लिए हम लोग यहाँ पे तैनात हैं। कैसा लग रहा है ये जो पूरा उत्सव जैसा नजारा दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल अच्छा नजारा है, और अच्छा डेकोरेशन किया गया है इस केंद्र को, और अच्छा भी लग रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि सबसे व्यवस्था जो है बच्चों का व्यवस्था अच्छा किया गया है। इस मतदान केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा, और एक मतदान केंद्र यहाँ पर ऐसा भी है जिसका नाम रखा गया है सहेली महिला मतदान केंद्र। तमाम जो महिलाएं हैं वो इस पर वोटिंग करवा रही हैं, और वोटिंग करने के लिए हालांकि महिला पुरुष दोनों पंक्तिबद्ध हैं, कतारों में खड़े हैं, लेकिन मतदान कर्मी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिला हैं, तो कहीं ना कहीं जो आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व है देश में वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन ललित के साथ मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो ये थी राजेश राज की रिपोर्ट सहरसा से, और अब चलेंगे विदिशा मध्य प्रदेश, जहां हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन मोहन जड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम इस चर्चा में जानेंगे कि किस तरह से इस जो मतदान हो रहा है 93 सीटों पर क्या है इसके गुड़ा गणित, और आज जो मतदान हुआ है वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसके क्या कुछ है मायने। सबसे पहले विदिशा का रुख करते हैं, और अजीत आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बड़ा जिसको कहते हैं अजीत के पास चले, उससे पहले कि मदन जी आपके पास हम आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत, थोड़ी देर में वो आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से 3 बजे तक 4 बजे तक जो आंकड़े आए उसने उत्साहित किया, ये 93 जो सीटें हैं क्या संकेत दे रही हैं? मुझे लगता है कि इस बार मतदान का प्रतिशत थोड़ा बड़ा होगा, वो उसके 2-3 कारण मेरे समझ में आते हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आज सुबह गुजरात में वोट किया तो उन्हें वोट करने के साथ साथ वहाँ लोगों से मिले भी, और वहाँ पर उन्होंने लोगों से अपील भी की कि ये एक सिर्फ दान नहीं है, मतदान का कार्यक्रम है, इसमें आप सहयोग करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसका, क्योंकि उनका कार्यक्रम को सीधे लाइव किया गया था, सभी चैनलों ने और सभी मीडिया ने उसको दिखाया था, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील का पूरा देश भर में फायदा होगा, और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देने के लिए आज बाहर निकले होंगे। दूसरा कारण यह है कि जो गर्मी बहुत हो रही थी लगातार पिछले 2 चरणों में, आज जहां तक मेरी जानकारी है कि कई जगहों पर मौसम थोड़ा सा कम गर्म रहा, आसमान में बादल छाए रहे, तो मुझे लगता है कि जो गर्मी का इम्पैक्ट था वो भी थोड़ा सा आज कम होगा। तीसरा एक और कारण है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, पिछले जो 2 फेज के चुनाव हुए थे वो दोनों फेज के चुनाव फ्राइडे को हुए थे, शुक्रवार को हुए थे, शुक्रवार शनिवार और संडे को 3 छुट्टियां होने के कारण बहुत सारे लोग चुनाव को, चुनाव वोट देने को बहुत जरूरी नहीं समझते, वो घूमने फिरने निकल जाते हैं या अपने काम से कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो इस बार जो अभी आज जो वोटिंग हो रही है वो मंगलवार को हो रही है, तो जो चुनाव की जो छुट्टी है वो कहीं आगे से वो किसी दूसरी छुट्टी से मैच नहीं हो रही है, उसे मिलाना संभव नहीं है, तो इसलिए भी आज ज़्यादा संख्या में लोग वोट देने जाएंगे। इसमें एक रोचक बात यह है कि अगले जो 2 फेज हैं
वो भी वीकेंड पे हैं, या एक तो अगले दो फेज मंडे को हैं, उसके बाद अगले दो फेज हैं वो शनिवार को है। तो अच्छा। मुझे लगता है कि अगर ये जो छुट्टी है चुनाव आयोग चुनाव का जो वोटिंग का दिन है और चुनाव की जो छुट्टी होती है, तो इसको जब वोटिंग का शेड्यूल बनता है उसमें अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो किसी दूसरी छुट्टी से न जुड़े, तो इसका भी एक बेहतर नतीजा सामने आ सकता है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। और हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता रायपुर से सिद्धार्थ भी जुड़ गए हैं, तो और अजीत तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ विदिशा से। तो विदिशा का रुख करते हैं। अजीत, किस तरह का मुकाबला आप विदिशा में देख रहे हैं? वीआईपी सीट है, और साथ ही साथ मतदान किस तरह से रहे, क्या रहा चुनाव का रंग और क्या रहा जनता का मूड, बताइए ज़रा विदिशा से। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट किया आज आपने। बिल्कुल निखिल, देखिए हम पिछले लगभग एक महीने से पूरे मध्य प्रदेश को खंगाल रहे हैं और मध्य प्रदेश का मिजाज जो है वो हम लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव का जो तीसरा चरण है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, और बड़ी बात यह है कि 9 में से 2 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, एक बीजेपी के, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, वो यहां पर मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से मैदान में हैं, करीब 3 दशक के बाद यानी कि 33 साल के बाद वो एक बार लोकसभा चुनाव फिर से लड़ रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी करीब 20 साल के बाद एक बार फिर से विदिशा संसदीय सीट से मैदान में हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है गुना से मैदान में है, पिछली बार वो 2019 में कांग्रेस की टिकट पर वहां से हालांकि बीजेपी के केपी सिंह यादव से हार गए थे, लेकिन इस बार वो फिर मैदान में है। और इन तीनों ही जगहों पर बंपर वोटिंग हो रही है। ये हालांकि अभी तक जो 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग के, उसमें 62% से ज़्यादा वोटिंग जो है वो मध्य प्रदेश में हो चुकी है तीसरे चरण के मैदान में। लेकिन ये जो दो सीटें खासतौर पर राजगढ़ और विदिशा है, वहाँ पर 70% से ज़्यादा मतदान जो है वो हो चुका है, और 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं, और 1 घंटा अभी और बाकी है, तो हम कह सकते हैं कि मतदान जो है और ज़्यादा अभी बढ़ेगा, क्योंकि शाम का समय में काफ़ी लोग जो है घर से निकलते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत धूप होती है। हालांकि आज मौसम पहले से बेहतर रहा, पहले 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उससे थोड़ा बेहतर मौसम रहा, उसका भी एक कारण था कि आज मतदान जो है वो तेजी से आगे बढ़ा है, लोग जबरदस्त संख्या में निकल के सामने आए हैं। अगर राजनीतिक समीकरणों की बात किया जाए, जिस तरीके से यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने जोर लगाया है, जो कि कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे कि उनका ये अंतिम चुनाव हो सकता है लोकसभा का, तो उसको लेकर उन्होंने बहुत जोर लगाया है राजगढ़ में। और अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान 20 साल बाद यहाँ पर मैदान में है, और प्रताप भानु शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पहले सांसद रह चुके हैं, उनसे मुकाबला है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान देखिए यहाँ पर जीतने के साथ साथ रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पर एक तरीके मेहनत करते नजर आ रहे थे, हमको ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि जीत विदिशा लोकसभा में उनका जो जनाधार है बहुत पुराना जनाधार है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वहां पर अपना जनाधार बनाया है उस क्षेत्र में, तो उनकी कोशिश है कि वो जब 20 साल बाद फिर से सदन में जाएं तो एक बंपर जीत के साथ जाएं, और इस कोशिश को लेकर वो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां पर लगातार वो क्षेत्र में दौरे कर रहे थे। दिग्विजय सिंह के साथ भी यही है, वो छोटी छोटी सभाएँ जो है तमाम क्षेत्रों में कर रहे थे, और कोशिश उनकी ये थी कि जो बीजेपी के रोडमल नागर जो कि 2 बार के सांसद और 3री बार पार्टी ने उनको वहां से उतारा है, तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी जो उनकी शैली है उसमें वो चुनाव प्रचार वहाँ कर रहे थे, और वो उनका ये था कि 3 दशक बाद भी वो फिर से एक बार जीत कर जो है वो लोकसभा जाए, हालांकि राज्यसभा के सांसद वो हैं लेकिन वो लोकसभा में जाने के लिए फिर से एक बार मैदान में है। तो ये और इन दोनों ही सीटों में 70% ज़्यादा मतदान की खबरें अभी 5 बजे तक हमारे सामने आ चुकी है। तो ये 2 बड़े मुकाबले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है गुना से वो मैदान में है, उनके सामने जो है यादवेंद्र सिंह यादव जो है वो कांग्रेस के टिकट पे हैं, जो कि कुछ विधानसभा चुनाव जो भी हाल में हुए मध्य प्रदेश में उसके पहले वो बीजेपी में थे, तो वहाँ पर सिंधिया ने पूरा जोर लगाया, उनके परिवार भी उनका उतरा चुनाव प्रचार के लिए, तमाम केंद्रीय जो मध्य प्रदेश के सीएम और तमाम जो मंत्री मध्य प्रदेश के वो भी वहाँ पर चुनाव प्रचार में उतरे हैं, तो उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया। तो तीन सीटें जो है हम कह सकते हैं VIP सीटें या प्रतिष्ठित सीटें हैं, जिस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है, क्योंकि इस जीत और हार से जो है इन तीनों नेताओं के भविष्य की दिशा और दशा तय होने वाली है। हालांकि लोकतंत्र में हर सीट महत्वपूर्ण होती है, हर लोकसभा सीट महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इन तीनों सीटों पर खास निगाह जो है बनी हुई है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 29 में से 28 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी, सिर्फ 1 सीट जो है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट थी जो कि कांग्रेस
ये खाते में गई थी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने वहां से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अब देखना वाली बात होगी, जो कि अभी एक दौर और बचा है 13 मई को, जब चौथे चरण हाँ। में 8 सीटों पर मतदान होगा। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि क्या वो अपना पिछला जो उसका जो रिकॉर्ड रहा है उसको वो दोहरा पाती है कि नहीं दोहरा पाती है, किस तरह से वो प्रदर्शन करती है, ये देखने की बात है। फिलहाल रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ, 7 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, किस तरह से उसका आकलन करेंगे? मतदाताओं का उत्साह भी बताइए, चुनाव का रंग भी बताइए और जो जनता का मूड है वो भी बताइए। नमस्कार निखिल, मैं फिलहाल रायपुर में हूँ जो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है, और मैं एक के बाद एक आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैं सबसे पहले आंकड़ों से शुरुआत करना चाहूंगा। जो अभी आंकड़े 5 बजे के हमारे सामने आए हैं उसमें रायपुर की सीट पर 61.25 जो है मत प्रतिशत हमने यहाँ पर देखा है 5 बजे तक। हालांकि अगर मैं उसकी तुलना 2019 से करूँ तो 2019 में यहाँ पर लगभग 66% जो है वो मत प्रतिशत था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फिलहाल कतारें इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है और कुछ ही समय बाद चुनाव यहाँ पर संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। तीसरे चरण का चुनाव है जिसमें 7 सीटें हैं जैसा कि आपने कहा, और हर सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं लोगों के उत्साह की, तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह था। सुबह 7 बजे से ही हमने लोगों से बात करी तो बढ़ चढ़कर लोग यहाँ जो है मतदान करने आ रहे थे, और सुबह का समय था तो लोगों का बिल्कुल यही डायलॉग था कि पहले मतदान और फिर जलपान। हालांकि अब शाम हो गई है, स्नैक्स का समय हो गया है, तो या तो लोग जलपान कर मतदान कर रहे होंगे या मतदान कर जलपान कर रहे होंगे। लेकिन अगर यहाँ का हाल मैं आपको बताऊं तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह था। लोग अब समझ पा रहे हैं कि एक एक वोट कीमती होता है और हर एक वोट का मतलब क्या होता है। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है और सबसे पहला काम ये है कि हम जाकर मतदान करें और बाकी सारे काम बाद में करें। हमारी आज बीजेपी प्रत्याशी जो कि बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनसे भी बात हुई। जब वो अपना मतदान करने के लिए आए तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनके अंदर एक उत्साह था। वो बोल रहे थे कि इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर 11 की 11 सीटें बीजेपी की आने वाली हैं, और इस बिकॉज लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट को, तो इसीलिए। हाल में बात करना चाहूंगा अगर चुनावी लड़ाई की, तो चुनावी लड़ाई यहाँ पर 2 ही पॉलिटिकल पार्टी की है, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी पार्टियों ने ट्राई किया लेकिन वो काम किया नहीं, तो इसलिए चुनावी लड़ाई 2 ही पार्टियों के बीच में है। अगर मैं बात करूं पुराने आंकड़ों की 2019 में भी निखिल, तो जो यहाँ पर 11 सीटें हैं उनमें से 9 सीटें आई थी बीजेपी के खाते में, 2 सीटें आई कांग्रेस के खाते में। 2014 की अगर मैं बात करूं तो 10 सीटें आई थी यहां पर बीजेपी के खाते में, 1 सीट आई थी कांग्रेस की। तो पुराने आंकड़ों से तुलना करूं तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है यहां पर कुछ सीटें कमाना भी। बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है और बीजेपी का जो एक स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है वो बहुत भारी है, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। और अगर यहां मैं अंतिम चरण में मतदान की बात करूं तो सुबह बहुत अच्छा मौसम था, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी और अब मौसम बिगड़ रहा है, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा मतदान पर पड़ेगा। अब मौसम खराब है तो लोग अपने घर से निकलेंगे नहीं, और उसका प्रभाव सीधा सीधा जैसे कि मैंने कहा मत प्रतिशत पे पड़ेगा। जो फाइनल आंकड़े हैं वो तो देखिए 6 बजे के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन अभी लगता है थोड़ी सी जानकारी आपके पास बचा कर रखिए। सिद्धार्थ आंकड़े कम है। जी 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 सिद्धार्थ, मैं समझ रहा हूँ आपके पास ढेर सारी जानकारी है, यही हाल अजीत का भी था, लेकिन हम वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा दर्शकों। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि तीसरे चरण के चुनाव में कौन कौन से रहे बड़े चेहरे, और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह से, पहले सबसे तो हम सीटें आपको बता दें कि आज कहां कहां कितना किन सीटों पर मतदान हुआ। असम की जो 4 सीटों पर मतदान हुआ बेहद महत्वपूर्ण रहा, तो आप देख सकते हैं कि असम की 4 सीटों पर मतदान हुआ है और ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 4 सीटें रहीं किन मायनों में महत्वपूर्ण रही। फिलहाल और जो आगे की जो राज्य हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर
मतदान हुआ। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हुआ, 5 बेहद महत्वपूर्ण सीटें रहीं और ये भी दशा और दिशा तय करेंगी चुनाव की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर चुनाव हुआ है और ये 7 सीटें जो रही हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया, वहां पर अब पोलिंग नहीं होनी है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। 2 सीटें रही दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की, ये 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। भले ही 2 सीटें हैं लेकिन इससे बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो इसमें छिपे हुए हैं। गोवा की 2 सीटें, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, बहुत सारे मैसेजेस इन सीटों के जरिए भी आते हैं। 2 सीटें, 25 सीटें गुजरात की जिनके हमने अभी विस्तार से चर्चा की, 1 सीट ऑलरेडी यहां से डिक्लेयर हो चुकी है सूरत की और आज 25 सीटों के लिए मतदान हुआ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हुआ और उसके साथ ही कर्नाटक में भी मतदान संपन्न हो गया। आज बेहद महत्वपूर्ण है कर्नाटक की ये 14 सीटें जहां पर मतदान हुआ, तो गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यहां पर मतदान संपन्न हो चुका है। 9 सीटें मध्य प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण और यहां पर तमाम जो VIP कैंडिडेट्स थे उनकी चर्चा भी आज की गई। महाराष्ट्र की 11 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, इनका भी जो चुनावी समर है उसमें बहुत महत्व रहा है और किस तरह से तमाम जो दिग्गज हैं वो भी चुनाव मैदान में दिखाई पड़े। उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य और तीसरा चरण 10 सीटें जिनमें कुछ VIP सीटें रही हैं मैनपुरी समेत, वो भी बेहद महत्वपूर्ण रही हैं और 10 सीटों का क्या कुछ जनादेश रहा है ये 4 जून को पता चल सकेगा। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, इनमें से 2 जो TMC थी उसके पास थी और 2 सीटें जो अन्य थे उनके पास थी और 4 सीटें असम की रही हैं, ये हम आपको दिखा चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से VIP सीट्स की बात करें तो ये गुजरात की जो सीट है अमित शाह वो गांधीनगर से प्रत्याशी के तौर पर रहे, बेहद महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री और पूरे चुनाव के अगर कहा जाए तो वो BJP के जिसको कहते हैं कि सारे जो बड़े रणनीतिकार हैं उनमें से सबसे प्रमुख वही है। कर्नाटक के धारवाड़ से ये आप देख सकते हैं कि प्रहलाद जोशी वो चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण रहा है ये सीट। इसके साथ ही साथ मनसुख मांडविया जो कि पोरबंदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात से, बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की और क्या कुछ रहेगा इनका चुनाव परिणाम ये देखने की बात होगी। साथ ही साथ गोवा में, उत्तरी गोवा में श्रीपद यशो नायक, ये बेहद महत्वपूर्ण सीट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और गोवा की राजनीतिक जो एक सियासत है उसमें बेहद महत्वपूर्ण स्थान है यशो नायक का। फिर बात करें गुजरात की ही दूसरी सीट की तो ये जो है राजकोट की सीट है और पुरुषोत्तम रूपाला यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उनकी किस्मत भी EVM में बंद हो गई है, मतदाता ने उनकी किस्मत का फैसला आज किया है। और ये मध्य प्रदेश की गुना सीट है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, आज उनकी भी किस्मत EVM में बंद हुई है। बेहद महत्वपूर्ण सीट और केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, BJP के एक प्रमुख स्थान रखते हैं वहां पर। विदिशा की सीट जिसकी हमने अभी चर्चा की, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और इनके सामने भानु प्रताप वर्मा, ये जो है बेहद महत्वपूर्ण सीट रही है, किस तरह से ये किस करवट बैठेगी ये भी देखने की बात होगी। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया था कि मार्जिन की बात हो रही है क्योंकि ये VIP वर्सेस VIP की अगर हम बात करें तो कितने मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान की जीत होगी इस बात की भी बात कही जा रही है। बहरहाल क्या होगा जीत और हार में ये देखने की बात होगी। तो ये सारी सीटें आप देख रहे हैं, गोवा में भी ये आप VIPs को अपने TV स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से 2 VIP आमने सामने हैं। यहाँ पर उत्तर गोवा की बात हो रही है, नॉर्थ गोवा की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र का बारामती क्षेत्र ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो नदन और भौजाई ये दोनों सुप्रिया सुले और सुनेत्रा सुले ये आमने सामने हैं, एक शरद पवार की बेटी कि किसको मिलेगी उसकी विरासत और दूसरी जो है उप मुख्यमंत्री है मौजूदा उनकी पुत्री हैं। कर्नाटक के शिमोगा में ईश्वरप्पा सामना कर रहे हैं BY विजयेंद्र का जो कि येदुरप्पा के बेटे हैं और निर्दलीय खड़े हुए हैं KS येदुरप्पा। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि वो जो है
वो विद्रोह करके बीजेपी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की लड़ रहे हैं, और बीवाई विजयेंद्र किस तरह से उनके सामने ये चुनौती पैदा कर रहे हैं, किस तरह से रहा है चुनाव, ये देखने की बात होगी। तो ये जो हमने बताया आपको तीसरे चरण में जो कौन कौन सी सीटें रही, कौन कौन से जो प्रमुख मतदान रहे सीटें रही, उनकी बात हमने आपको बताई। क्या कुछ प्रमुख चेहरे रहे जो एक दूसरे के सामने हैं, कौन सी वीआईपी सीट्स हैं, इसके ज़रिए आपने ये जानने की ज़रूर कोशिश की होगी और आप ज़रूर समझ पाए होंगे कि जो तीसरा चरण था वो कितना महत्वपूर्ण था और तीसरे चरण में वो कौन सी सीटें रहीं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की, ऑन ग्राउंड अपने रिपोर्टर से बात की और बताया कि क्या कुछ रहा। सबसे उत्साहजनक बात जो तीसरे चरण के चुनाव में रही वो रहा कि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है, और ये सभी को उत्साहित करने वाला है, उत्साहित करने वाला है तमाम राजनीतिक दलों को भी और चुनाव आयोग को भी। तो इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हमने ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये पूरा तीसरा चरण कितना महत्वपूर्ण रहा है। रायपुर से छत्तीसगढ़ की जानकारी दी हमको हमारे सहयोगी रहे, और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से 7 सीटें महत्वपूर्ण रही हैं। सिद्धार्थ ने ये बताया, सिद्धार्थ बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे साथ विदिशा से जुड़े हुए थे अजीत द्विवेदी, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स 9 सीटों के पर कितना असर डालेगी ये 9 सीटें, ये भी बताया। अजीत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास, आप दोनों लोगों के पास अभी भी बहुत सारा काम है जिसको जाहिर तौर पर आप निपटाएंगे, और आपकी रिपोर्ट्स अभी हम और देखेंगे, अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। और साथ ही साथ मदन मोहन जड़ा जी, जो आपने एक सटीक विश्लेषण करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आखिर इस तीसरे चरण का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण रहा है और क्या कुछ इसका असर होगा पूरे चुनावों पर। बहुत शुक्रिया मदन मोहन जड़ा जी। और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, आज के जनादेश में, बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।